भाई जी, आप हालांकि हमेशा मैंने देखा मनुष्य को आत्मा स्वरूप ही देखते हैं और हमेशा आपकी स्थिति भी बहुत उच्च होती है। आपके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी भी उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अक्सर मेरे इंटरव्यूज़ में और कई मंचों पर आप अक्सर प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ भी करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हम सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं। तो 24 में फिर से चुनाव हैं, तो ये भी एक सवाल था कि भाई जी से पूछेगा कि क्या वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? देखिए, मैं तो सीधी बात कहता हूँ और पहले मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक सच्चे सन्यासी हैं। जो गुण और लक्षण सन्यासियों में भी नहीं है वो उनमें है। उन्होंने एक बार कहा था, वे कुछ हो गया मेरे पास एक थैला है, उठा के अपना चल दूंगा। हाँ, हम तो पहले भी फकीर थे पहले फकीर थे फिर भी रहेंगे। वो तो एक सच्चे तपस्वी है और ऐसे महान पुरुष की हमारे देश को बहुत जरूरत थी। तो मैं ये कहता हूँ वो तो भगवान की च्वाइस है, ठीक है, इलेक्शन के माध्यम से सब जनता चुन रही है। हैं, लेकिन वो भगवान के द्वारा चुना हुआ एक महान रतन। नहीं तो मैं देखता हूँ हम लोगों को भी सिखाया जाता है, हम भी सीखते हैं कि मान अपमान सुख दुख निंदा गलानी में समान रहना, लेकिन वो तो रहते हैं, हमें फीलिंग हो जाती है, वो तो बहुत अच्छी तरह रहते हैं। तो ऐसे महान पुरुषों से देश का कल्याण होगा। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, वो तो देखो सबको बोलने का अधिकार है और कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे ही, लेकिन ऐसा महान पुरुष, ऐसा महान प्रधानमंत्री न तो कभी हुआ, न किसी देश में हुआ संसार में, और न होगा। इस पर भगवान की नजर है और यही चुन कर आएंगे, क्योंकि भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है। तो दर्शक लोग, आप लोग बिल्कुल भी इस उत्तर के बाद उदास नहीं होंगे, क्योंकि आपको सीधा सीधा सूरज भाई जी ने जवाब दिया है कि यही चुनकर आएंगे, उनको प्रभु ने चुना है। इस चीज़ के लिए आशान्वित रहें।